शर्मा शो। अर्चना जी बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू कपू। मतलब ये सूट आपने सारे लॉकडाउन में निकाले, पहले कहाँ छुपा के रखे थे आपने? अर्चना जी कितनी देर बाद हम लोग मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन हालांकि मैं आपके वीडियो वगैरह देखता रहता था इंस्टाग्राम पे, आप काफी इससे भी ज्यादा बिजी रही हैं आप। फ्री में, लेकिन वहाँ पैसे नहीं मिलते ना, यहाँ मिलते हैं। हाँ ये भी सच है, लेकिन कुदरत का खेल देखो मैम, जो 100 रुपया कमाता था उसका 100 का नुकसान हुआ, जो 1000 कमाता था उसका 1000 का नुकसान हुआ। हमारा तो चलो चैनल से एपिसोड का पेमेंट आता है, आपका तो एपिसोड के साथ साथ जो ऑडियंस के साथ पर फोटो 40 रुपए लेती थी उसका भी नुकसान हुआ है। क्या नुकसान? अब तो आप ले भी नहीं सकते, ये नकली है। हाँ ये अभी तक तो मैं इनको असली समझती हूँ यार। वही तो, ध्यान तो सारा आपका पैसे की तरफ है, आपको कहाँ पता चलेगा बंदे असली की नकली। हेलो माय गॉड। मैम भले ही ऑडियंस नहीं है, लेकिन मैं सच कहूँ आप ही हमारे लिए लाखों के बराबर हैं एक्चुअली। और इस मुश्किल घड़ी में जो आप यहाँ पे हमारा साथ देने के लिए आई हैं, आपके जज्बे को सलाम है। और मैं यही बात कहना चाहूंगा कि पैसा बहुत बड़ी चीज होती है। शुरू हो गया तुम फिर से। लव यू मैम। अच्छा जी, हाथ सैनिटाइज किया आपने? 15 बार कर चुकी हूँ मैं, एक एक मिनट के बाद ऐसा। यही प्रॉब्लम है, अपने घर पे एक बार पुचुक करके इतने करते हो और यहाँ का सेंटर्स मतलब हद होती है यार। कल तो इनके चाचा का लड़का आया गांव से, उसको बोली चलो तेरे को धुला के लाती हूँ, यहाँ पे सैनिटाइजर से धोया उसको। अर्चना जी हद होती है, मतलब प्रोडक्शन वाला ने सैनिटाइजर दिया, इसका मतलब कल जूतों में क्यों डाल लिया आपने आधा आधा लीटर डाल दिया, कितना ठंडा लग रहा है, हद है यार। पर वैसे अर्चना जी अरेंजमेंट्स क्या किए हैं हमारी प्रोडक्शन ने, बानी जी और एसके टीवी के लिए जोरदार तालियां। मतलब क्या, पहले फुल बॉडी सैनिटाइज, टनल में से निकलो, उसके बाद निकलो, ऑक्सीमीटर से वो ऑक्सीजन चेक करते हैं, फिर आपको मास्क देते हैं, ग्लव्स देते हैं, फिर वो टेम्परेचर चेक करते हैं, इतना सारा वो मास्क वास्क लेके बैठे, मुझे लगा मैं जैसे सर्जन हूँ, अंदर मैं सर्जरी करने जा रहा हूँ। ये मेरा बॉय देख लो राजन, 5वीं फेल है, साइंटिस्ट लग रहा है। हाँ और ये मेरा मेकअप मैन देख लो प्रणय, ये सर्जन लग रहा है, हार्ट सर्जन। वाह। लेकिन लॉकडाउन से ना एक आध चीजों का फायदा भी हुआ है, कई लोग तो ये बोल रहे कि नेचर अपने आप को हील कर रही है। आप देखो, आप आसमान साफ दिखने लगा है, पोल्यूशन कम है, जानवर पशु पक्षी दिखने लगे हैं। अभी शूटिंग शुरू होने से पहले ना लोग फोटो खींच रहे थे कि शुतुरमुर्ग आ गया फिल्म सिटी में, तो सबने फोटो खींची, उसके बाद आपकी वैनिटी में घुस गया। हाँ घुसा लेकिन बाहर नहीं आया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टेस्टी था? अपने दर्शकों को एक बात बतानी चाहता हूँ कि लॉकडाउन में सबका काम बंद था, लेकिन हमारी अर्चना जी का काम इनका तब भी चालू था। ये अपने घर पे बैठ के ये वीडियो बना बना के इंस्टाग्राम पे डाल रही थी। अच्छा वो भी बात नोट करने वाली है, वहां पे भी टैलेंट किसी दूसरे का था, ये वहां पे भी बस बैठी और बना रही थी। इन्होंने अपनी मेड जो घर में काम करती बाकी चीज उसको स्टार बना दिया। सुनिए, आपको किसी ने बताया कि नहीं, चैनल वाले वो भाग्यश्री का नंबर मांग रहे थे आपकी मेड का, जिसकी अच्छा? वीडियो डालते हैं। जैसे पहले सिद्धू जी आते थे उनसे एक बार आपका नंबर लिया था, फिर आप सिद्धू जी की जगह आ गई, अब आपसे आपकी मेड का नंबर मांग रहे, पता नहीं होगा काम, हम अपने को क्या लेना देना, हमारा धंधा सेफ रहे बस। अच्छा 100 दिन के लॉकडाउन में, 100 से भी ज्यादा दिन हो गए, कोरोना का तो पता नहीं कितना कंट्रोल हुआ, लेकिन आदमी पूरी तरह बीबी के कंट्रोल में आ गया। अच्छा। नो ऑफिस, नो दोस्त, नो पार्टी, नो दारू, 24 घंटे 24/7 बीबी की नजरों के सामने। कुछ आदमी एक्चुअली अपनी बीबियों जैसे हो गए, जिनके 15 गुण भी नहीं मिलते थे उनके 36 मिलने लगे। अर्चना जी की तो 37वां मिल गया, वो तो फिर इन्होंने मुझे हटाई तो 36 वापिस आए। अच्छा ये पहली बार हुआ कि पॉजिटिव वर्ड जो है वो कितना नेगेटिव लगने लगा, मतलब किसी को पता चल जाए कि पॉजिटिव है तो कितना वो। पर एक चीज मैंने देखी अर्चना जी, कुछ लोग जो होते हैं ना वो मेंटली वो नेचर से बाय नेचर पॉजिटिव होते हैं और कुछ बाय नेचर नेगेटिव होते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कोरोना पॉजिटिव को कोरोना नेगेटिव कर सकते हो, लेकिन जो आदमी की सोच नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे शुरू शुरू में लॉकडाउन शुरू हुआ ना तो कुछ लोग ये बोल रहे थे कि बस ये थोड़े दिनों की बात है खत्म हो जाएगा, जो नेगेटिव आदमी ना ना ये लंबा जाएगा भाई। जो डराने ही आए हैं दुनिया में ना सबको, अपने घर में बीवी को डरा के रखे, बच्चों को डरा के रखे, फिर लॉकडाउन 2 हुआ 3 हुआ, लोगों ने उम्मीद जगाई कि चलो जुलाई में सब ठीक हो जाएगा, ये साल तो जान बचा लो बस। नेगेटिव आदमी हमेशा नेगेटिव बात करेगा।
अच्छा, कोरोना को लेके अंधविश्वास बड़ा लोगों में, एक तो कुछ अनपढ़ता की वजह से भी कई बातें ऐसी हो जाती। मैं एक बार टीवी पे देख रहा था, एक औरत बोल रही थी मैंने कोरोना देखा है। मैं हैरान हो गया, मैं देखने लग पड़ा इंटरव्यू, कहती मैंने कोरोना देखा, हमारे रसोई में निकला था, नीले रंग का होता इतना सा। हाँ, वो ग्राफिक्स नहीं दिखाते न्यूज चैनल वाले, वो ऐसे ऐसे करके कोरोना भाग रहा, उनको लगता है कोरोना है। कहती जैसे चप्पल उठाई भाग गया, कान बड़े तेज है उसके, अंधविश्वास। अपना ये पांडे, ये अपना ड्रम पे, ये बड़ा अंधविश्वासी है। अच्छा? कहता भाई मैं आपको बताऊं, कोरोना वरोना कुछ नहीं है, पूरी बॉडी पे सरसों का तेल मल लो, पकड़ नहीं पाएगा, फिसल जाता है वो। इसका भी कसूर नहीं ना, ये पहले कच्चा बनियान गैंग में काम करता था। हालांकि बाकी दोस्त तो कच्चा पहनते भी थे। ये तो ये खाली इलास्टिक पहन के निकल जाता था। अच्छा, कोरोना के जब दम नया नया शुरू हुआ था, जैसे किसी को फोन करते ना खांसने की आवाज आती थी तो आदमी वैसे डर जाता था। ये दिनेश अपना एक दिन मेरे को आके बोल रहा है, हालांकि वो तो रिकॉर्डेड मैसेज होता था ना, तो ये दिनेश बोलता है भाई खांसी बड़ी फैल रही है, जिसको फोन करो वो खांस रहा है। अच्छा, लॉकडाउन में पुरुषों की ड्यूटी जो थी वो थी सामान लाने की। जो गृहणियां हैं, जो हाउस वाइफ हैं, अपने पति को भेजती थी और इस तरह तैयार करके भेजती थी ना, जैसे जंग पे जा रहा हो, जेब में सैनिटाइजर रख लिया ऐसे करके, हाथ में ग्लव्स, मुंह पे मास्क, फिर शील्ड भी लगा ली, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। हर जगह जमीन पे गोले बने हुए हैं, जैसे ऊपर वाले ने सब जीरो कर दिया हो ना, दोबारा से शुरुआत करो। अच्छा, मोल भाव पूछना तो दूर, सब्जी मिल जाए वही बहुत है। अगर सब्जी वाला बहुत, भाई साहब आपके 7 रुपए बचे, रहने रहने रहने, तू मिर्ची डाल। मुश्किल से सब्जी लेके घर जाता था ना और रखता था, पहले पहले अपने हाथ धोए, फिर सब्जियां निकाल, एक एक आलू को धोया। कई लोग तो दो दो दिन तक धूप में रखते थे सब्जियां। सब्जियां आपस में बातें करने लगी, पता हाँ, गाजर मूलियां जो बैंगन को बोल रही थी, हम तो चलो ठहरे गाजर मूली, तुम तो सब्जियों के राजा हो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। पहले लोग लिफ्ट में भी भर भर के जाते थे, बॉडी तो टच होती थी, खाली मुंह ऊपर कर लेते थे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है। हालांकि सांसों से फिर भी पता चल जाता था कौन प्याज खा के आया, कौन फलाना खा के आया। उड़द की दाल वाले तो अलग से प्रोग्राम करते थे, कहीं ना कहीं साइड से एकदम से पता चलता था आदमी, क्योंकि ऐसा होता है 8 लोगों की कैपेसिटी होती है, 12-12 लोग घुस जाते हैं, फिर 12वां जो सबसे लास्ट में घुसता है ना, वो ऐसे खड़ा रहता है और वो सेंसर जाके नाभि से टकरा के फिर खुल जाती है, फिर आदमी ऐसे खींच के जैसे लिफ्ट बंद हुई पेट छोड़ के ऐसे खड़ा हो जाता था, फिर जाके ऊपरले माले पे खुली तो आदमी अपने आप ही बाहर आता था प्रेशर से। विदेशों में तो टॉयलेट पेपर की कमी हो गई बहुत, अब न्यूज में देखा होगा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लोग मॉल में घुस गए, कहीं तो लूट के भागे हैं। हालत ये हो गई कि टॉयलेट पेपर तो खत्म हो गए, तो लोग एक दूसरे के घरों के बाहर से अखबार उठा के भागने लगे। हाँ, मेरे दोस्त नहीं अरोड़ा साहब, वो किसी का अखबार उठा के भाग गए, वो दोस्त से पकड़ लिया उसको, पड़ोसी ने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप हमारा न्यूज़पेपर उठा के भागे, ये कर दिया वो कर दिया। अरे यार मेरी बात सुन, डोंट वरी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं तुम्हारा न्यूज़पेपर उठाया तो सारी न्यूज मेरे पीछे छपी हुई है। उल्टे अक्षर पढ़ सकते तो पढ़ लो, वैसे खबरों में कुछ नया है नहीं, मैंने अभी अभी पढ़ी है। आजकल आत्मनिर्भर होने पे बड़ा जोर है। ये दिनेश को बैंक वालों का फोन आया, कहते आपकी 2 महीने से EMI पेंडिंग है, शुरू हो गया। कहता कब तक दूसरों के भरोसे बैठोगे, खुद भरो, आत्मनिर्भर बनो। उसके बाद बैंक ने बंदे भेजे हैं, फिर जिस चीज पे निर्भर होके ये बैठता है ना, वो तोड़ के गए। अभी देख लो कुर्सी सबसे अलग की लगाई हुई है। ये अपना पांडे आत्मनिर्भर बन गया। एक दिन 3 दिन खुद कॉफी बना के पीता, अपनी बीवी को बोलता है मैंने 3 दिन से कॉफी बना के पी रहा हूँ, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, जो स्वाद तुम्हारे हाथ की कॉफी में है वो कहीं नहीं है। कहती होगा भी कहाँ से, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कॉफी कौन सी, मेहंदी कौन सी। कहती 3 दिन से मुंह हरा कर रहे हो, कमोड़ लाल कर रहे हो। अच्छा, मास्क पहन के साथ साथ चश्मा लगा लो ना आप, बड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने मास्क पहना, ऊपर से चश्मा लगाया, अपनी स्टीम से ना आदमी का वो चेहरा पूरा ब्लर हो जाता है। कई बार तो मैंने 4 लोगों को हवा में नमस्ते का जवाब दे दिया। हेलो सर, मैं कहा हेलो, दिख मुझे कुछ नहीं रहा था, फिर अंगूठा घुमा के आंखें निकाली ना, फिर नजर आया कि अच्छा ये नहीं पता चल रहा, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। पांडे बोल रहा था, कहता मास्क तो अब कंपलसरी हुआ, मैं तो बड़े सालों से मुंह पे कपड़ा बांध के घूम रहा हूँ। मैं कैसे मतलब, कहता बीमारी तो अब आई है, उधारी तो कब से चल रही है। कोरोना में ना एक चीज बड़ी अच्छी हुई, लेकिन हर आदमी ने अपना ध्यान बड़ा रखना शुरू कर दिया है। हर आदमी देखो, आप ऑर्गेनिक चीजें खा रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके नए नए सोच रहा है। जैसे दिनेश अपना, ये डॉक्टर को फोन करके बोलता है, कहता डॉक्टर साहब मैंने नींबू पानी पी रहा हूँ, दूध में हल्दी डाल के पी रहा हूँ,
तीन टाइम चाय पी रहा हूँ, सुबह आंवला गिलोय का जूस पी रहा हूँ, तुलसी का सेवन कर रहा हूँ, होम्योपैथी की दवा ले रहा हूँ, दिन भर गर्म पानी पीता हूँ, इसके साथ ही योगा और वॉक भी करता हूँ, आप सलाह दीजिए और क्या करना चाहिए? डॉक्टर कहता है तुझे कोरोना से बचना है कि अमर होना है? मतलब कहता तू ही जिएगा, हमें भी जीने दे, इतनी चीजें तो हमें नहीं पता जितनी तू कर रहा है। अच्छा लॉकडाउन में एक्चुअली मतलब लोगों ने काढ़े इतने पिए हैं, मैं तो हमारी टीम में एक बंदा है, हीरा कहाँ है वो देखो, इसने काली मिर्च का काढ़ा इतना पिया इसके मुंह पे काली मिर्च निकल आई है, अब ये मुंह धोता है नीचे काढ़ा तैयार हो जाता है। 2020 जो 20 ऐसा साल आया, ये 2020 जो है इतना मनहूस साल आया ना, अगर किसी के तीन बेटे ना तो वो इंट्रोडक्शन भी ऐसे देता है, एक मेरा बड़ा बेटा है, ये डॉक्टर है, ये दूसरा इंजीनियर है, तीसरा 2020, मतलब किसी काम का नहीं, मनहूस आदमी, ये मरवाएगा हम सबको। अच्छा कोरोना की मुश्किल घड़ी में टीवी इंडस्ट्री ने सबको एंटरटेन किया, लेकिन जब लॉकडाउन खुला तो टीवी इंडस्ट्री को सबसे बाद काम पे जाने की परमिशन मिली। फिल्म एंड टीवी इंडस्ट्री के साथ ऐसी ज्यादा थी क्यों? हम लोगों के लिए भी घर चलाना मुश्किल हो गया, घर बैठे बैठे कर्जे हो गए। ठीक है अर्चना, जो आपने बोला था मैंने बोल दिया, लास्ट लाइन मैंने काट दी। वो लास्ट लाइन मैंने अपने मन से काट दी थी। अच्छा, क्या? वो वाली कि जितना जिसकी हैसियत से हमारे अकाउंट में डालना हो डाल दो, वो मैंने काट दी। ओ अर्चना जी, अब तो आपको पता है ऑडियंस यहाँ पे आ नहीं सकती है। हाँ। सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका पालन भी करना है, लेकिन हम तो ऑडियंस के घर जा सकते हैं ना, टेक्नोलॉजी। हाँ। तो हम आज हमारे कुछ मेहमान है जो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है, मैं चाहता हूँ कि उनसे बातें करें। Really? जी प्लीज, सबसे पहले कौन आ रहे हैं? हाय कपिल जी, कैसे हो? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? बस एकदम मस्त। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषभ है और मैं मुंबई से बोल रहा हूँ सर। ऋषभ, सबसे पहले तो ये बताइए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज हमारे साथ जुड़े हैं ऑनलाइन आके, क्योंकि हम आपको पता ही होगा कि ऑडियंस के साथ जो है वो शो नहीं कर सकते। कैसा चल रहा है आपका लॉकडाउन? सर लॉकडाउन तो अभी तक ठीक था। अच्छा। सर एक चीज अच्छा नहीं हुआ सर लॉकडाउन में। क्या सर? मतलब अच्छे अच्छे डिशेज तो बना के खाए। हाँ। पर सर पुलिस के डंडे भी खाने पड़े। ओह, आपने खाए? कैसे, वेज के नॉन वेज खाए आपने? पुलिस के डंडे क्यों खाए? आप बाहर गए थे घूमने? सर मैं घूमने नहीं गया था, पर सर मेरे को एक्चुअली बाइक में पेट्रोल डलवाना था, अर्जेंट था सर। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि प्लीज आ जाओ, बिकॉज उसके पास आईडी कार्ड था, तो प्लीज पेट्रोल भरवाने के लिए। मैं बोला चल साथ में, तो उसने बोला साथ में जाएंगे तो सही, पर पुलिस ने पकड़ा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सर हम लोग पेट्रोल पंप पहुंच गए, पेट्रोल भी भरवाया, पर सर वापिस आते टाइम ना घर के पास जस्ट पहुंच रहे थे। अच्छा। और पुलिस ने हमें पकड़ लिया और दोनों को एक एक डंडे पड़े सर। तो पेट्रोल डलवा तो लिया आपने, डलवाना था मैं मान लिया, पेट्रोल डलवा के जाना कहाँ था? बाहर तो कर्फ्यू लगा है। अरे वो सर सब्जियां है, कुछ सामान लेने के लिए अर्जेंट के लिए, बाकी कुछ घूमने तो नहीं सर, जाना था कहीं। पता क्या है ऋषभ, हम लोग बोल तो देते हैं कि यार ये पुलिस डंडे मार रही है ये, लेकिन पुलिस के ऊपर जो प्रेशर रहा है इन दिनों अभी तक है। सो और जिस शहर से आप हैं, आई मीन मुंबई से, मुंबई जैसे शहर में इतनी पॉपुलेशन है, इनको कंट्रोल करना कोई खाने का काम नहीं है। सो आई मीन हमें सपोर्ट ही करना चाहिए पुलिस। और वैसे क्या करते हैं ऋषभ आप? सर वैसे स्टूडेंट हूँ और ऐसा एक्टिंग का भी शौक है, सो शॉर्ट फिल्म्स एंड ऑल वो करता हूँ सर। अरे वेरी गुड, तो अभी तो खैर फिलहाल तो घर पे होंगे, बिकॉज अभी सब काम बंद है। हाँ, हाँ सर। सर और एक चीज बोलना था कि लॉकडाउन में एक भी आदत लग गई है सर। क्या? सर वाईफाई चुराने की। वाईफाई चुराने की? चुराने की। लॉकडाउन के पहले कभी जरूरत नहीं पड़ता था वाईफाई का। अच्छा। पर अभी जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो मेरा डेटा पूरा यूज हो जाता था दिन में। अच्छा जी। तो सर मैं मतलब मेरा एक फ्रेंड नेबर जो ऊपर रहता है, तो अच्छा। बेडरूम में सर उसका वाईफाई का नेटवर्क आता है, तो मैंने अच्छा। उसको कहा भाई पासवर्ड दे दे, मैं थोड़ा डाउनलोड कर लू, फिर तू चेंज कर देना पासवर्ड। अच्छा। तो उसने पासवर्ड दे दिया, फिर मैं सोचा कि अगर इसने पासवर्ड चेंज किया तो मेरे को तो इतना दिन लॉकडाउन का घर में निकालने तो वापस प्रॉब्लम हो जाएगी पासवर्ड चेंज किया तो। तो मैंने फिर मेरे नीचे जो नेबर रहते हैं, मैंने उनसे भी उनका वाईफाई का पासवर्ड पूछा कि भाई आप दे दो 10 मिनट के लिए, तो आपके पास उनका वाईफाई का नेटवर्क मेरे हॉल में आता है। अच्छा अच्छा, लोगों का नेटवर्क आपके घर में आता, आपका खुद का नहीं आता है? खुद क्यों, जो घर में लगवाया वो कहाँ है? घर में तो इंटरनेट डेटा पे यूज हो जाता है। खत्म। शादी नहीं हुई अभी आपकी ऋषभ? नहीं नहीं स्टूडेंट सर, अभी तो जवान हूँ। तो जवान की शादी होती है 60 साल के बाद, कौन करता है? जी शादी नहीं हुई तो वाईफाई की बहुत जरूरत पड़ती है। शादी की बात आई मीन यार ऋषभ,
शादी का बात बताता हूँ जी। शादी क्यों नहीं करनी है? अभी लॉकडाउन में पता चल गया सर। क्यों? उसका एक रीजन है। क्या? अब जब इतने सालों में मैंने ये सीन कभी नहीं देखा जी, पर अभी लॉकडाउन में देखने मिल रहा है कि घर का आधा से ज्यादा काम तो है ना मम्मी पापा से करवा रही है सर। ये हर घर का हाल है ऋषभ। हाँ वो तो है सर, अभी आपकी भी शादी होगी तो आपको भी पता पापा। ऋषभ आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। आप ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना था जी, मुझे अब लगता है कि कोरोना बहुत जल्दी जाने वाला है, बिकॉज आपका शो आ गया है तो आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे ही खुशी के मारे एकदम ठीक हो जाएंगे। थैंक यू ऋषभ, शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू, लव यू टू ब्रो जी। नेक्स्ट कॉलर कौन है? हेलो जी। हेलो, नमस्ते जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं गाजियाबाद वैशाली से बोल रही हूँ। और ये आपके जो साथ बैठी हैं ये कहाँ से? अरे सॉरी, आप दोनों गाजियाबाद से बोल रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। मेरी बेटी है। अच्छा जी, आपकी बेटी है तो गाजियाबाद में कैसा माहौल? लोग निकल रहे हैं बाहर, काम वाम शुरू हो गया कि नहीं? अब निकलने लगे। हाँ यहाँ पे भी, मुंबई में भी हम लोग, जैसे आज हमने शो शुरू किया है तो आज पहला ही एपिसोड हम लोग शूट कर रहे हैं तो बिल्कुल जी, बहुत मिस कर रहे हैं कपिल। मैं अच्छा तो बहुत परेशान हूँ। परेशान? हम तो बैठ के देखते हैं आपका शो। अच्छा जी, थैंक यू। आपकी फैमिली में कौन कौन है? जी मेरी बेटी और मेरे पति वसंती भी हैं घर में। अच्छा, तो पति कहाँ है? आप उठिए, उनको सांस तो लेने दीजिए, उनके ऊपर बैठी हुई वो क्यों नहीं आए? भाई साहब कहाँ है? ऑफिस में है। अच्छा, ऑफिस जा रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि चलिए काम धंधा जो वापस पटरी पे आ रहा है, लोग निकल रहे हैं। और आप क्या करती हैं? आपकी बेटी क्या करती है? सर मैंने अभी जॉब कुछ दिन पहले लॉकडाउन से पहले छोड़ी थी, अब मैं ऑनलाइन कोर्स कर रही हूँ। ओके, किस चीज का? डिजिटल मार्केटिंग का। ओह वाओ, डिजिटल मार्केटिंग, ये बड़ी अच्छी चीज है, बिकॉज अभी आने वाले समय में जिस तरीके का ये माहौल बना हुआ है ये सब डिजिटली हाँ। होने वाली हैं, चीजें हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। और हाँ। तो हमारा ये एपिसोड जो हम आज आपके साथ शूट कर रहे हैं, जब आएगा तो आप देखेंगी फिर? ऑफ कोर्स। कितना मिस किया आपने अर्चना जी को? मिस किया आपने? सबको मिस किया है। अर्चना जी दिख रही हैं इस समय? दिखाई दे रही हैं आपको? नहीं नहीं, हाँ जी दिख रही हैं। दिखाई दे रही हैं बिल्कुल। हाय हाय। तो लॉकडाउन कैसा था आपका? मेरी दर्द भरी कहानी तो सुनो जरा। हाँ जी, हाय हाय, लॉकडाउन की। हाँ जी हाँ जी, प्लीज मैम सुनाइए। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी कपिल फोन करने से हुई, मैं लैंडलाइन यूज करती हूँ। अच्छा जी, आपको किसी ने बताया नहीं? मोबाइल भी आ गए? नहीं नहीं, मेरे पति जो है ना वे कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। ये तो सबके पति कम बोलते हैं, आपके कोई अकेले थोड़ी। उनके सामने फोन पे लंबी बात मैं नहीं कर सकती। अच्छा जी, अपने पति से होती भी नहीं है? मैं परेशान हो गई, क्या करूं? जब पता चला कि कल लॉकडाउन खुलने वाला है, ऑफिस जाएंगे। अच्छा जी, फटाफट नाश्ता बनाया, पति को दिया, गाड़ी की चाबी हाथ में थमाई। अच्छा। जाओ। तो जैसे ही ये बाहर निकले, मैंने गेट का दरवाजा बंद करके तुरंत कुर्सी डाली, पालथी लगा के बैठी। जो अच्छा। मैंने नंबर घुमाने शुरू किए, जिससे मैं 4-5 से बात करती हूँ। अच्छा जी, मतलब रिसीवर रखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा, वो खुद ही कट जाता था ओवर टाइम होके। जब कपिल सुनते रहना मेरी बात। हाँ जी हाँ जी, आपके पति इतने सालों सुन रहे हैं तो हम क्या चीज है, आप सुनाइए। अच्छा, जो इसके अक्षिका के पापा है, मेरे सफाई बहुत पसंद है असलियत। क्या पसंद है? सफाई सफाई सफाई। अच्छा। अपने कपड़े साफ सुथरे रखना, ये सब तो वैसे तो मैं मशीन में डाल देती हूँ। अच्छा जी, दो चार अलग निकाल देते हैं। अच्छा, ये मेरी कॉटन की शर्ट है, ये मेरी सिल्क की है, ये वो है, इसको कुछ लग जाए, इन्हें हाथ से धो देना। अच्छा, लेकिन इनको ऑफिस जाने के बाद मैं मशीन में ही डाल देती थी, कह देती हूँ फिर क्या हुआ जी? जब ये घर में रहने लगे, क्या करूं मैं तो परेशान। अच्छा जी, फिर जब भी मैं बाथरूम में कपड़े धोती थी हाथ से, जितने ब्रश मारती थी उतनी कोरोना को गाली देती थी, सत्यानाश कपड़े सब मेरे हाथ में दे दे, कंबल तुम्हारा नाश हो, तुमने हिंदुस्तान में। मुझे लगता है दुनिया भर में वैक्सीन तो और लोग बना ले, मुझे पता नहीं है, हमारे हिंदुस्तान की औरतें गालियां देते कोरोना को मारेंगी, जितना परेशान किया है कोरोना ने। एक दिन मुझसे आके मेरे पति कह रहे, तुम मुझसे चिढ़ती हो क्या?
तो फिर उनको पता नहीं चला अभी तक आप मशीन में डाल देती हैं उनके कपड़े वाले। ये एपिसोड देखने के बाद पता चलेगा। आप चल जाएगा ये एपिसोड देखने के बाद, मैं तुम्हें इनके हंसी नहीं दूंगी। ज्यादा सवाल पूछेगा ना तो पति को मशीन में डाल के चार चक्कर लगवाओ एक बार, फिर देखना कभी सवाल नहीं पूछेंगे आपसे जिंदगी में। बड़ी प्यारी बातें करती है मैम, बड़ा मजा आया आपकी बातें सुन के। हमें भी आपसे अच्छा। कपिल एक बात बोलना चाहूंगी। जी मैम एक और बात। जो आप इस देश को दे रहे हो ना जी, उसकी कोई कीमत नहीं है। अरे सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू मैम। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। आप ये आप इतना हंस के जब तक आपका शो देखते हैं ना, सारी दिन भर की टेंशन सब खत्म हो जाती है। थैंक यू मैम, शुक्रिया आपके प्यार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बिटिया कैसी है, मैंने वीडियोस देखी है उसकी। अच्छा। नवरात्रि की। हाँ नवरात्रि में मैंने फोटो पोस्ट किया था, बहुत बहुत अच्छी हो। लहंगा पहना के बड़ी प्यारी बेटी है आपकी। हाँ थैंक यू मैम, अभी 7 महीने की हो गई, अपनी माँ पे गई ना, शुक्र है भगवान का। एक बात और बताओ कपिल जी। मैम आप घर में भी ऐसे ही हैं क्या, या घर में गुस्सा दिखाते हैं सिर्फ, यहाँ इतने हंस के बात करते हैं आप? घर पे मैं बात वगैरह तो इतना कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हंसी मजाक करते रहते हैं मैम, घर पे भी यही चलता रहता है। अच्छा, जिंदगी जितनी हंसी मजाक में निकल जाए बस वही अच्छी है। अब आप भी मशहूर हो जाओगे, अभी एपिसोड आएगा आपका। जी बहुत खुश है हम तो, हम आपसे बात कर रहे हैं सर। थैंक यू मैम, आपको देखते हैं, मन करता है वहीं आके मैं आपका सीरियल देखूं। जरूर जरूर मैम, जब ये सब ठीक हो जाएगा तो हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे, आप जरूर आइएगा और भाई साहब को भी लेके आइएगा साथ में। बिल्कुल जी। हाँ अपनी बिटिया को भी, सबको साथ में लेके आइएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। हाँ तो नेक्स्ट कॉलर कौन है जरा प्लीज। हेलो, हाय, कैसे हो आप सब? सबको मेरा नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, बच्चों को प्यार। और कैसे हो आप, कौन बात करना चाहेगा सबसे पहले, जो सबसे आगे बैठी हैं आप? क्या नाम है आपका? शुभकामना। शुभकामना तो आपकी हमारे साथ है, नाम क्या है? अच्छा नाम ही आपका शुभकामना है, वाओ। इंग्लिश में क्या बोलते लोग आपको? बेस्ट विशेस। बड़ा प्यारा नाम है आपका। इस समय पूरी दुनिया को आपकी जरूरत है, शुभकामना जी। जी जरूर। और सबको, एक दूसरे को हम शुभकामनाएं दे सकते हैं। और कहां कहां से बोल रहे हैं आप? जयपुर। अरे वाह, जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। जयपुर तो बड़ा प्यारा शहर, मैं बहुत बार आया हूँ जयपुर। और अभी आपकी फैमिली में कौन कौन बैठा हुआ है, सब थोड़ा तारुफ कराइए हमारी ऑडियंस के साथ। माय हस्बैंड। हेलो, हाय कपिल। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। एंड ग्रैंड मदर, दादी जी। प्रणाम जी, दादी जी कैसी हैं आप? और ये मेरे ब्रदर इन लॉ का बेटा। हाय। और ये जिनका आधा, ये छोटा बच्चा एक आधा मुंह आ रहा है इनका एक। ये मेरे किड्स हैं। ये आपके दोनों बच्चे हैं? दो बच्चे हुए तो पति को पीछे बिठा दिया। अच्छा लॉकडाउन कैसा रहा आपका जयपुर में, क्या क्या किया फिर आप लोगों ने? लॉकडाउन काफी अच्छा भी रहा, फिर थोड़े दिनों बाद काफी थोड़ा बहुत बोर सा भी लगने लगा, लेकिन हाँ एक्सपीरियंस अच्छा रहा। कुछ चीजें मिस भी की, जैसे आपका शो बहुत मिस किया था, और कुछ नई चीजें सीखी, जैसे नई डिशेस बनाना, कुछ क्रिएटिव आर्ट्स करना एक्सेट्रा। तो पीछे पीछे जो पति देव बैठे हुए हैं इनसे क्या क्या करवाया फिर आपने? लग रहा है 3 महीनों की थकावट उनके मुंह से दिख रही है, तभी पीछे बिठाया हुआ बेचारे आज। जो कुछ किया इन्होंने ही करवाया हम लोगों से, जो कुछ भी करवाया। एक्चुअली एक आपको एक बात बताती हूँ जी। इनकी क्या है, आवाजें निकालने की आदत है, तो अच्छा। ये क्या है कि पहले तो चलो काम पे जाते थे तो थोड़ा बहुत आवाजें निकाल के चले जाते थे, अच्छा, तो थोड़ा रिलैक्स मिल जाता था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, ये घर पर रहने लगे, तो और टाइप्स की भी आवाजें निकालने लगे, और फिर हर काम में मतलब तरह तरह की डिफरेंट वॉइसेस में मुझसे कभी ये देना कभी वो देना एक्सेट्रा चीजें बोलते थे। एक्टरों की आवाजें निकालते हैं? हाँ मिमिक्री, जैसे एक्टर्स हो गए, कार्टून करेक्टर्स हो गए। अच्छा तो अच्छी बात है, आपको एंटरटेन करते हैं घर में, एक तो पति मिला काम करता है ऊपर से एंटरटेन करता है, और क्या चाहिए आपको? शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है, बट जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया ना, तो वो थोड़ा सा हाई होता गया। ऐसा ही होता है, घर घर की कहानी है आपके बच्चे, तो फिर भी काम धंधा कुछ और करते हैं, हम तो हमारा तो काम ही एंटरटेन करके, मेरी बीवी मुझसे खुश नहीं है।
बहुत अच्छा लगा आपसे शुभकामना जी बात करके आपके साथ. जब ये सब माहौल ठीक हो जाएगा फिर आप सब परिवार हमारे शो पे आइएगा. जरूर जरूर. ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको. शुभकामना जी. नाइस टू मीट यू और काफी अच्छे लगा आपका शो. वापस आ रहा है. थैंक यू जी. ओके बाय बच्चों. बाय बाय दादी जी. थैंक यू. बाय. लव यू. आइए देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर जो है वो कौन है. हेलो. हेलो सर. कैसे हैं आप. नमस्कार जी. नमस्ते सर. हेलो कपिल सर. आप कैसे हैं सर. मैं सही हूँ. बढ़िया हूँ. अच्छा. हेलो. हाँ सर. हेलो. सुन रही हूँ मैं आपको. मैम कहाँ से बोल रही हैं आप. जी मैं वृंदावन से बोल रही हूँ सर. मेरा नाम सरिता है. वाह सरिता जी वृंदावन. मेरी बड़ी पता है. मैं एक दिन थोड़े दिन पहले ऐसे ही दिमाग में आया था कभी मथुरा और वृंदावन वो वाले रूट पे कभी जाने का मौका मिले. मैं आज तक वृंदावन कभी नहीं आया हूँ पर बड़ा मन है कभी आएंगे. जरूर आइए. आपका वेलकम है सर वृंदावन में. तो आपकी फैमिली में कौन कौन है अभी. एक्चुअली मेरे फादर इन लॉ हैं. मेरे हस्बैंड हैं. अच्छा और एक बेटी है मेरी. अच्छा जी. तो वो सब इस समय घर पे नहीं है. एक्चुअली बेटी जयपुर में है और फादर इन लॉ नीचे हैं अपने रूम में. अच्छा जी. और हस्बैंड मेरे उसके फर्म में प्रिंसिपल हैं तो उनका कुछ ऑफिस वर्क है तो वो वहाँ गए हैं. कौन सा स्कूल 8:15 खुलता है रात को. सर एक्चुअली क्या यूनिवर्सिटी का काम है और उनके रिजल्ट्स वगैरह तैयार हो रहे हैं तो उनको अर्जेंट बुलाया हुआ है वहाँ. वो तो उन्होंने आपको बताया ना. क्यों लड़ाई करवा रहा है कपिल. यहाँ बैठे वहाँ लड़ाई करवाएगा. नहीं मुझे मेरी बीवी निकलने देती. इन्होंने कैसे जाने दिया उनको. नहीं 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 अच्छी बात है. काम भी साथ साथ करने चाहिए. और अब तो गवर्नमेंट भी संदेश दे रही है कि आप जरूरी जो ध्यान रखना चाहिए आपका सेफ्टी का उसको ध्यान में रखते हुए बाकी अपने काम धंधे शुरू होने ही चाहिए. देश की अर्थव्यवस्था को भी ठीक करना है. आप क्या करती हैं मैम वैसे. मैं वैसे हाउसवाइफ हूं और मेरा बुटीक है. मैं घर से ही काम करती हूं. अच्छा जी. तो अभी अर्चना जी दिखाई दे रही है आपको. हाँ दिखाई दे रही है. हेलो मैम. आपका बुटीक है तो अर्चना जी ने जो भी जो ड्रेस पहनी आपको कैसी लग रही है. बहुत अच्छी है मैम. जो भी पहनकर आती है बहुत अच्छी ड्रेस पहनकर आती है. बहुत स्मार्ट लगती है. एक्चुअली ये तो इसमें तो कोई राय नहीं है. पर मैं जो इस बात के लिए पूछा था वो ये है. मसला हमारा हर शूटिंग के बाद ये अपनी ड्रेस बेच देती है तो आप. सरिता जी आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और बड़ी प्यारी जगह से बोल रही हैं आप. मैं आपसे पहले जितने लोगों से बात हुई ना मैंने उनको यही कहा कि जब हमारा शो बिल्कुल जब ये लॉकडाउन बिल्कुल खत्म हो जाएगा सब नॉर्मल हो जाएगा तो हमारे शो पे आइएगा. लेकिन आपसे मैं ये नहीं कहूँगा. आपसे मैं ये कहूँगा कि जब सीट ठीक हो जाएगा हमें वृंदावन जरूर आना है. और हम आपको बताएंगे. आपका नंबर तो हमारी टीम के पास है ही. जरूर जरूर मैम. थैंक यू. देखो कैसे हम ढीठ मेहमान खुद इन्वाइट हो रहे हैं. शुक्रिया सरिता जी. थैंक यू. धन्यवाद आपके टाइम के लिए. थैंक यू. शुक्रिया. ओह थैंक यू. वैसे अर्चना जी आइडिया बुरा नहीं है. वैसे ऑनलाइन कितना मजा आ रहा है. और लोग भी पता है मुझे लग रहा है कि जब ऑनलाइन अपने घर पे बैठ के बात करते हैं ना तो शायद और खुल के आते हैं. सामने जब आते हैं तो शायद उनको ये रहता है कि यार स्टूडियो है शूटिंग चल रही है ज्यादा नहीं बोलना. पर लेकिन कितना मजा आ रहा है. हमारे हिंदुस्तान में तो मुझे लगता है हर घर में आर्टिस्ट बैठे हुए. ये रियल ऑडियंस है जो दिल से हमें प्यार करते. बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी दोस्तों से हमने बात की. और एक बात और एक दिल में आ रहा है जो मैं कहना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी की इस मुश्किल घड़ी में हमारे जितने भी जो कोरोना वॉरियर्स हैं चाहे वो डॉक्टर्स हैं या नर्सिस हैं या हमारे पुलिसकर्मी हैं या हमारे म्यूनसिपलिटी कर्मचारी हैं साफ सफाई कर्मचारी हैं और जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाई मैं उन सभी कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट करता हूँ. आप हैं तो हम हैं. थैंक यू. थैंक यू अर्चना जी. आपको पता है ऑडियंस के साथ साथ और भी बहुत कुछ नहीं है. क्या? जैसे ये सारा सफाई वगैरह का काम हमने खुद ही करना है तो मैं तो जा रहा हूँ. आपको नहीं कह रहा चैनल कोई भी करने को. हमसे तो करवाते ही है ना पीछे. तो मैं थोड़ा साफ सफाई देख के आऊँ. अच्छा। आप ध्यान रखना. हाँ। कोई हमारी ऑडियंस ना चोरी करके ले जाए पीछे जो पत्थर किया. थैंक यू. कपिल शर्मा शो शुरू करो. दो मीटर की रखो दूरी. कपिल शर्मा शो.
डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, सोने वाले बाबू मेरा शो चला दे। शुरू करो भाई, शुरू करो, बंद करो भाई, बंद करो, बंद करो भाई, बंद करो, शुरू करो भाई, शुरू करो, बंद करो भाई, बंद करो। अरे क्या बंद करो भाई, अपना मुंह बंद करो और हम औरत लोग को अपनी बात रखने का मौका दो। कौन सी बात? वही कि शुरू करो भाई, शुरू करो, कपिल शर्मा शो शुरू करो, शुरू करो भाई, शुरू करो, कपिल शर्मा शो शुरू करो, शुरू करो। हम कौन सा कैटरीना को डेट पे ले जाने की मांग कर रहे थे यार, यही बात बोल रहे थे ना हम। तुम डेट पे ले जाके तो देखो, तुम्हारा कैलेंडर ना फाड़ दिया तो क्या ना? यार तितली, हम तो बस एग्जांपल दे रहे थे यार, वरना तुम ही हमारी कैटरीना हो, हाय हाय, तुम ही हमारी करीना हो, वाह वाह, और तुम ही हमारी प्रियंका हो। लेकिन हम एक बात कहें, तुम ना हमारे वरुण हो, ना टाइगर हो, ना कार्तिक हो। हाल देखो, 3 महीने से खा खा के 5 धोती फाड़ चुके हैं। अपने पति की धोती इस तरह सरेआम मोहल्ले में ऐसे उछालोगी तुम? तो क्या करे फिर, धोती में मोहल्ला डाल के उछाल दे। ए, आते ही तुम लोगों ने धोती चड्डी वही चालू कर दिया। अरे मुद्दे की बात करो, शुरू करो भाई, शुरू करो। अरे नारे लगाने से कुछ नहीं होगा, मेरी बात मानो, कप्पू को बाहर निकालो। ऐसे बोलेगी ना, तेरे को बाहर निकाल देगा वो शो से, समझा? बात करती है, कप्पू मेरा भाई है, स्टार है, ऐसे नहीं आता, फैन फॉलोइंग है उसकी, है कि नहीं? और स्टार लोग बड़ी एंट्री मारते, देख कप्पू आने वाले, किधर है मेरा कप्पू, आ जा। बहुत काम है, पिछड़ जाओ, पिछड़ जाओ, पिछड़ जाओ, ये सारा काम करना है। ये है तुम्हारे भाई की स्टार एंट्री, ये। कप्पू, तुम झाड़ू क्यों लगा रहे हो? तो अपने घर में लगा रहा हूँ, तेरी तरह दूसरों के घर में तो नहीं लगा रहा। 4 महीने हो गए अर्चना जी, घर पे काम करते करते अब तो इतनी आदत होगी, मैं रास्ते से भी झाड़ू लगाता आ रहा हूँ। मेरा हो ही नहीं रहा, ऐसे मन ही नहीं लगता ऐसे। कप्पू शर्मा सुनो यार, बड़ा काम है। हाँ ना, वो सब करते रहे ना, वो सब ठीक है, अच्छा है यार, जो शो बंद किया है उसे शुरू करो ना। ओए, इस बार मैंने बंद नहीं किया। सोनी साहब से बात करो, उन्होंने बंद किया है। हाँ तो उनको समझाओ ना यार, 4 महीने से घर पे बैठे हैं, 4 महीने घर पे बैठे बैठे पेट निकल आया है, देखो। तू 2 हफ्ते और बैठ, तेरी सूंड भी निकलेगी, तेरी पूंछ भी निकलेगी। हाँ बड़ा, ये सही कह रहे हैं सब लोग, प्लीज शो शुरू करो ना, 4 पैसे आए, नौकरों को भी तो सैलरी देनी होती है ना। क्या आप लोग के घर नौकर भी है? या। अरे वाह, ये तो बहुत ही हर्ष की बात है। वैसे तो क्लियर हो ही गया है, लेकिन फिर भी बता दूं कि हर्ष ही नौकर है। शर्म नहीं आती पति को नौकर बनाते हुए? तो नौकर को पति बनाती तो ज्यादा शर्म आती। एक मिनट, तुम्हारे पति तो हम हैं, फिर ये किस पति की बात हो रही है? नाइस क्वेश्चन, बैड फेस। अरे पूरी दुनिया जानती है हम लोग इधर दोहरी जिंदगी जीते हैं। इधर जो दिखता है वो सच नहीं है, और जो सच है वो दिखाने के लायक नहीं है। बुरा मत मानिएगा, मैं कश्मीरा की बात कर रहा हूँ। सब लोग जानते हैं हम लोग कलाकार है, कलाकार। और किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि पूरी दुनिया रंगमंच है और हम सब कठपुतली। किसी ने नहीं कहा है, राजेश खन्ना जी ने कहा है। हाँ मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन है, क्या नाचते थे वो, ए हे ए हे। ये क्या हो रहा है? दोहरी जिंदगी। अच्छा इधर इश्क लड़ा लड़ा के 11 बच्चे किए, वो बच नहीं है क्या? गोरिल्ला जैसी लड़की के साथ इश्क लड़ा रहे हो, घर में कितना काम है, जाओ जाओ करो जाके। कब से तो काम कर रहे हैं, इतने महीनों से काम कर रहे, काम कर करके थक गए, नौकर बना दिया हमें इस औरत ने, पता तो क्या MLA बना दे मोहल्ले का। देखो लॉकडाउन में ना सारे पति नौकर ही बने घूम रहे थे। क्यों अर्चना जी? नहीं 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 नहीं, नहीं उनको मत बोलिए। क्यों? उनके पास स्टाफ है, भाग्यश्री। स्टाफ को काम कहाँ करने देती है, ये सारा दिन तो उनके वीडियो बनाती रहती है, काम बेचारे उसको करना पड़ता है, अपना परमीन सेठी। अच्छा बोला सेठ आदमी, सेठी बना दिया उनको।
सही बात है, तभी मैं सोचू अर्चना जी क्यों बोलती रहती है बार बार मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, या अपने असिस्टेंट भाग्यश्री से छीन के खाना खाती थी। एक मिनट, ये क्या करते हो आप लोग, जब देखो अर्चना जी के पीछे पड़े रहते हैं। हाँ तो आगे पढ़ते तो लात मारती है ना, बहुत लगता है। तमीज से बात करो, वो स्टार है। अर्चना मैम, मेरे ना कुछ गेस्ट आए हुए हैं, फोटो करवानी है, भाग्यश्री से करवा दोगे? अबे एड़िए क्या, इतना टाइम नहीं अर्चना जी के पास में। हाँ उनको जाना भी रहता है ना भाग्यश्री के घर पे काम करने के लिए, क्योंकि वो तो सारा दिन इनके वीडियो बनाती रहती है। शुरू करो भाई, शुरू करो। कपिल शर्मा शो शुरू करो। आपको जो भी कहना है माइक में आगे कहिए। शुरू करो, शुरू करो। क्या हो गया कप्पू? चालू करना यार, बहुत प्रॉब्लम हो गया, पार्लर भी नहीं खुले यार बाहर। ऐसा ना मेरे अंदर की सपना सुरेश बन के बाहर आ जाए, मैं बता रही है। तेरे केस में सुरेश ही सपना है। अरे सुरेश सपना है तो सपना सुरेश हो, मेरी जिंदगी का तो एक ही सपना है। हाय हाय, क्या? कि मेरी जिंदगी में एक मुकेश हो और उसके साथ तीन चार छोटे छोटे ब्रिजेश हो। क्यों सुकेश? तू सुकेश, तेरी बात सुकेश, तेरा बाप सुकेश, कुछ बोल नहीं, चढ़ी जा रही है तब से। इस शो में एक ही ग्लैमर है, The one and only, मैं। ये ग्लैमर इसका बताती है मैं अर्चना जी। मालूम है लॉकडाउन के पहले चरण में इसकी इतनी दाढ़ी बाहर आ गई थी, दूसरे चरण में इसकी मूछें आ गई, तीसरे चरण में तो चरणों तक दाढ़ी पहुंच गई थी इसकी। अभी क्लीन अप करके आई है, कांचा चीना कहीं की। ए, ज्यादा बोले ना तो तुम लोगों का ना मानवा के साथ साथ घमंडवा भी तोड़ दूंगी। वाह वाह, सोने की रवि किशन, मानवा घमंडवा। शट अप सांडवा, तुम बोलो मेरे छोटे से मांडवा, बोलो बोलो। कप्पू, मुझे पता है कि तुमको हम सबकी सेफ्टी का कंसर्न है, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ कि हम सब फूक फूक के कदम रखेंगे। फूकने का बहाना चाहिए। चलो जाके अपना अपना काम करो, एक साफ सफाई करो, तैयारी करो। चलो तो तैयारी करो, मतलब कहाँ जाना, कहाँ है हमें? हम जा नहीं रहे, हम आ रहे हैं सोनी टीवी पर। शर्मा यार, क्या माहौल बनाते पूरा शूटिंग का ना, एकदम पूरा माहौल वाहौल बनाते। ए, स्पॉट दादा, चाय पिला दो यार, एक थोड़ा सफाई फाई देख लो यहाँ पे। और कुछ नहीं, मतलब धोती धुलवानी है। कोई स्पॉट दादा नहीं आएंगे, अपना काम खुद को करना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनो। चलो हाँ। अरे ऐसे कैसे करेंगे कप्पू, ऐसे सेलिब्रिटी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये सब काम करना नहीं लिखा है। तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में तो सेलिब्रिटी भी नहीं लिखा। सुन मेरी बात, देख हम तुझे और धोखे में नहीं रखना चाहते, तुझे रखा ही सफाई के लिए। वो तो तेरा ये छोटा सा मुंह देखे तो तरस खा के हम लोग स्टेज पे चढ़ा देते हैं कि चलो दो पैसे बन जाएंगे, पर तू तो तीन चार पैसे बना जाती है। चलो शुरू हो जाओ, चलो चलो। देवर जी, कोमल सी कली के नाजुक नाजुक हाथों में झाड़ू अच्छा लगेगा क्या? कोमल कली नाजुक नाजुक, मोनिका भी आई है क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब है ये कोमल कली नाजुक हाथ, ये कोमल हाथ जिनको आप ऐसे चूमते रहते थे जब मैं आपको काढ़ा बना के पिलाती थी। काढ़ा पिला पिला के जाड़ा कर दिया, और इसको हम जाड़ा है तो तुम्हारे नगाड़ा में क्यों दर्द हो रहा है? वाओ वाओ, जाड़ा काढ़ा नगाड़ा, हमारे शो पे बहुत कवि हो गए ले, जिससे बात करो तुकबंदी में ही बात करते हैं। खैर दीदी, मेरे को ना बाहर, मेरे को बाहर अंदर की न्यूज मिले ली है। क्या? ये सोने टीवी वाले ना बहुत शाणे हो गए ले, इनकी बात माननी पड़ेगी वरना अपना हुक्का पानी बंद। थैंक गॉड मैं हुक्का पीती नहीं। एक दिन के लिए काफी कॉमेडी कर ली तुमने, बस। कप्पू शर्मा बताओ यार, शो करना कैसे है इस बार? अगर तुम चाहो, अगर 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 तुम चाहो तो इंटरव्यू वगैरह हम ले सकते हैं। तुम एक काम करो, अपने मुंह में सैनिटाइजर डालो, गेट पे खड़े हो जाओ, पब्लिक आएगी ये पैर दबाएगी, कहीं ना कहीं से साबुन निकलेगा तेरे। सुन लिया आपने, मैंने कहा था मेरी बात मानिए, वर्क फ्रॉम होम करो। और मेरी बात सुन, वर्क फ्रॉम होम करो। ये जो तू बच्चों के डायपर के मास्क बना के बेच रही ना, तेरे को मार पड़ेगी, छह छह महीने के बच्चे आके तेरे को पीटेंगे। एक्सक्यूज मी, मैंने घर से मैंने ऑडिशन दिए थे और पता है कितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के कॉल आए मुझे। अच्छा लॉकडाउन में आपको पता है पंजाब वालों को हिमालय के पहाड़ दिख गए, इसको शीशा नहीं दिखा, अपना मुंह देख, तेरे को ट्रैक्टर फोन कर रहे, ट्रैक्टर तेरे को फोन कर रहे।
ओह माय गॉड ये चंदू लॉकडाउन में कुछ अलग नहीं लग रहा? लग ही नहीं रहा कि ठाकुर चंदू की एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि चंदू भी नहीं कभी करता। ओए, एक तो तेरे वैसे एक्सप्रेशन ही ठीक, ऊपर से तूने मास्क पहन लिया है, तू चाहता क्या है? गाइस, हेलो हेलो अच्छा जी, शो सम रिस्पेक्ट यार, मेहमान भगवान के समान होता है। नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ? वो हर शहर का अलग कल्चर होता है, हमारे यहाँ पे ना मेहमान को पीटा जाता है। हाँ, अरे हम तो मेहमान की छाती पे चढ़ जाते हैं, अगर फिर भी वो बच जाए फिर आता भाई। वैसे यार कैसे कैसे हर बार मुंह उठा के कैसे आ जाते हो? कैसे? गर्दन पे रख के। आपको कैसे पता होगा, क्योंकि आपके शरीर में तो गर्दन का कल्चर ही नहीं है। तेरी गर्दन ना बहुत भार आ रही है, ज्यादा नौटंकी किया ना तेरा ऐसा टेटुआ दबाएगी कि तेरे पेटुआ में से टमेटुआ पटेटुआ सब भार आएगा, समझा? जाने वाजीवा ठाकुर चला गया। नहीं नहीं भाभी, ठाकुर चला गया। ठाकुर गया नहीं है, ठाकुर तो आया है। तू आके दिखा, तेरे टांगे ना तोड़ दूंगी। यार जहां आप जाते हो वहीं आ जाता है, इसका कोई वैक्सीन नहीं बन सकता। वैक्सीन बन चुका है, द कपिल शर्मा शो, अर्चना जी को लग चुका है, मुझे भी लगाओ। भाभी तुम भी मुझसे नाराज हो? तेरे से खुश है कौन? ये स्वागरात वाले दिन अपनी बीवी का खून उठाया, उसने पुलिस को फोन कर दिया, कहती है आदमी जा नहीं रहा, उसको लेके जाओ। नहीं नहीं नहीं, उसको पता नहीं था कि शादी के बाद मियां बीवी इकट्ठे रहते, छोटे शहर से ना बेचारी। अच्छा अच्छा, छोटे शहर से? आप लंदन में कहां रहते हैं? छोटे शहर से आइए। देखो मैं कहीं से भी आया हूँ, लेकिन तुम्हारे भले के लिए आया हूँ। पता है अपना चंदू है ना, वो बेचारा लॉकअप में है। एक मिनट, लॉकअप नहीं लॉकडाउन होता है। नहीं नहीं, वो लॉकअप में ही है। वो क्या है कि वो पंजाब जा रहा था, उसे केरला पुलिस ने पकड़ लिया। समझे क्या हमको, पंजाब जाने के रास्ते में केरला किधर से आता है? नहीं नहीं, केरला में 3 टाइम का खाना मुफ्त मिल रहा था, तो उसने कहा मैं वाया केरला जाऊंगा। फिर जो केरला की पुलिस ने उसको पकड़ के मारा है, मार मार के उसकी दोनों इडली सुझा दी है। शर्म आनी चाहिए किसी की, इडलियां देखते हो? अपनी कचौरियां देखी है तूने? बकवास करता है। चलो जाओ यहां से। यार एक मिनट, मेरी बात भी सुन लो कप्पू। देख, चंदू को भी कुछ नहीं आता, मेरे को भी कुछ नहीं आता। तो क्या, तूने चैनल के पैसे वेस्ट करने, 6 महीने उस पे किया कर, 6 महीने मेरे पे किया कर, दोनों का घर चलेगा। पहले उधर 100 मीटर दूर खड़ा हो। 100 मीटर नहीं होता, सरकार ने 2 मीटर का। सरकार तेरी हरकतों के बारे में जानती नहीं ना, हम जानते हैं। उस दिन सोनू सूद को फोन करके बोल रहा है, बोलता मेरे को घर जाना, घर मचा दो। कहते पहुंचा देते, कहां रहते हो? कहते जहां आप दिला दो वहां रह लेंगे। ये आदमी, मैं अर्चना जी मतलब सरकार की ना हर बात मानता हूँ, मैंने हर बात मानी है, मैंने दिए जलाए, मैंने थाली पीटी। उनको क्या बता रहा है, सरकार ने बोला थाली पीटनी, इनको थाली मिली नहीं, इन्होंने माली पीट दिया। और चल दूर जा खड़ा हो, पता नहीं किसको मिलके आ रहा है ये। तुम 100 मीटर छोड़ो, तुम 200 किलोमीटर दूर चले जाओ, मैं बोल रही हूँ इससे भी अच्छा तुम अमृतसर चले जाओ, 5 मिनट और लाहौर। हाँ सही बात है, और रस्ते में ना प्लीज इसको जयपुर छोड़ देना। ए, मैं जयपुर जाके क्या करेगी? अरे उधर महाराजों के बड़े बड़े किले हैं। अरे तो किले का मैं क्या करूँ? हाँ तो किला लो, दीवार में लगाओ, ठोक दो। अरे जाओ यार, किले विले की सफाई फाई करो, तुम अच्छा करती हो। जुबान संभाल के, मेरी बहन है वो, समझे? वो रुमाल तो अच्छे से साफ कर नहीं सकती, किला क्या साफ करेगी? हैं? बेचारी की कल ना गर्दन पे साबुन लग गया था, हाथ नहीं जा रहा था, इसने जीभ निकाली कर दी। हम शो शुरू होने की बात कर रहे हैं। शो बाद में शुरू होगा, पहले इस मंगोड़े को यहाँ से बाहर निकालो। क्या मंगोड़ा? अब तूने बताया नहीं तेरा नाम मंगोड़ा है। पप्पू इनको बता यार, क्या मैंने लॉकडाउन में तेरी कितनी हेल्प की है? तूने मेरा क्या सैनिटाइज किया अभी लॉकडाउन में? तुझे मैं मतलब क्या, तू मेरी सब्जियां सैनिटाइज करता रहा? लॉकडाउन में हेल्प की है, शक्ल मैंने इसकी 3 महीने बाद देखी है। अरे सोच रे कप्पू, 3 महीने तक इसने तेरे को फोन नहीं किया, इससे बड़ी हेल्प क्या हो सकती है? माय गॉड, इसको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। थैंक यू मंगोड़ा साहब, आपने इनको फोन नहीं किया। हाउ डिड यू सर्वाइव सर? 3 महीने में कप्पू मैं बहुत टैलेंटेड हो गया हूँ। बताओ आपको पता है ये शराब के ठेके खुले थे ना, टैलेंट क्या है इसका? उनको जाके बोलता है
₹5 दो, आपकी जगह लाइन में मैं खड़ा हो जाता हूँ। एटीट्यूड देखो इसका। अरे कप्पू उनको क्या बता रहे, उनके लिए तो खड़ा रहता था लाइन में। लेकिन जो भी है, जो अर्चना जी के लिए, अर्चना जी दिल की बहुत अच्छी है, जो ब्रांड खुद पीती है वही भाग्यश्री को पिलाती है। अरे लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भाग्यश्री का ब्रांड ये पीती हो। एक मिनट सपना, तुझे कैसे पता है? बेटे जिस शो में तेरे को आठ आठ मिलते थे ना, उस शो में मेरे को दस दस मिलते थे। अर्चना जी खड़े रहना जरा, ये देख लो दस दस लेने वालों का हाल, और ये आठ आठ वाला देखो आज भी मर्द बन के खड़ा है। तेरे जैसे मर्द ना 50 मर्द मैंने तय करके अपने पार्लर में रखे, समझा? और तू अभी तक गया नहीं। मेरी सोनी साहब से गुजारिश है, आप हमारी खातिर एक नॉन आर्टिस्ट बैंड नहीं कर सकते? एक मिनट ठाकुर, इधर आइए, इधर आओ, उधर इधर इधर आओ यार। देखो क्या है, चक्कर क्या है, तो फिल्में विल्में है ना रिलीज तो हो नहीं रही है। हाँ। तो तुम जाओ ना यार, जाओ बस जाओ। कप्पू फिल्में तो रिलीज हो नहीं रही है और सेलिब्रिटी तो मैं हूँ, तो क्यों ना तुम मेरा इंटरव्यू ले लो, तुम्हारे दो एपिसोड ऐसे निकल आएंगे। हट। तेरे को पता सोनी साहब ने क्या कहा मुझे? कहते दो एपिसोड निकालो क्योंकि वक्त ऐसा चल रहा है, उसके बाद निकाल के बाहर मारो उनको। क्या बात, ऐसे बोले? हाँ। इसका मतलब सोनी साहब तो बहुत क्रिएटिव है। मेरे को तो लगा सिर्फ लोगों में बैठी रहती है। कप्पू सोनी साहब को बुलाना, मिलने का। प्लीज प्लीज सोनी साहब को बुलाओ, पता है वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और मेरी मतलब मुझे बहुत मानते हैं वो। अच्छा। हाँ सोनी साहब चाहते हैं कि ठाकुर को दो थप्पड़ मुंह पे मार के निकाल दिया जाए। अरे ये क्या सोनी साहब बोल रहा है, ये तो तुम लोग सब मजाक में उतर आए है ना। ये लो यार, जिस आदमी को मजाक ही नहीं जमता वो इस शो में घुसना चाह रहा देखो, है। वाह वाह। कप्पू मैं क्या बोलती, अगर गेस्ट का प्रॉब्लम है कोई टेंशन नहीं, मैं आदरणीय कृष्णा जी को जानती हूँ, उनका इंटरव्यू लेना, मस्त एपिसोड निकलेगा। अच्छा। मस्त एपिसोड नहीं निकलेगा, सिर्फ गोविंदा निकलेगा। क्या मस्त बात बोली। हट। कॉमेडी अपनी जगह, रूल अपनी जगह, हाथ नहीं लगाने का। हाँ, सही, 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 सही। ये क्या है, मेरे को बोला हाथ नहीं लगाने का, सबको हाथ लगा रही है। मैं मैसेज दे रही थी कि हाथ टच करने के बाद सैनिटाइजर यूज करने का। ऐसा तू भी दोस्त हट। यार सब चीजें छोड़ो, मेरे पास एक मस्त आइडिया। बकवास है, मजा नहीं आया, बेकार। मेरे पास एक आइडिया है, मस्त आइडिया, शो बना इस पे। क्या मस्त आइडिया, वेरी कप्पू मस्त शो बना, मैं अलग अलग रोल करेगी उसमें। तुम लोग दूसरा शो बना रहे हो तो देखो ये जो शो चल रहा है मुझे इसी में काम दे दो। तेरे को काम करने का है? हाँ। सीरियसली काम करेगा? हाँ। चल जाके चाय बना के ला। अरे चाय बनाना तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, हमें दाएं हाथ वाली चाहिए। मैं एक अच्छी चाय बना के लाता हूँ आपके लिए, हैं? फर्स्ट क्लास। एक मिनट, सुनो 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 सुनो, चाय जो है सिर्फ हमारी भैंसिया के दूध की बनेगी, ठीक है? ए, सुनो 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 सुनो, दूध निकालने से पहले भैंसिया को पूरी तरह सैनिटाइज करना। कर दूंगा। और सुनो सुनो सुनो, अगर एक को सैनिटाइज करोगे तो बाकी की गुस्सा कर जाएंगी, इसीलिए 35 की 35 भैंसिया को सैनिटाइज करना, ठीक है? 35? हाँ, 35। और सुनो 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 सुनो, पहले फिर नहाना, फिर हाथ धोना, फिर बाल्टी धोना, फिर से हाथ धोना, ठीक है? उसके बाद भैंसिया जिसका तुम दूध निकालने वाले हो उससे बातचीत करना। अगर वो हंसी तो ये मत सोचना कि हंसी तो फंसी, अगर वो हंसी तो उसका दूध निकालना, वरना वो गालियां निकाल देगी, ठीक है? सुने 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 सुने, सुनो, सुनो। फिर भैंसिया को धोना, फिर बाल्टी को धोना, फिर पतीले को धोना, फिर चाय बनाना, ओके? और इस सब के बाद भी अगर चाय अच्छी नहीं बनी तो हम इसे धोएंगे, वो भी बिना सैनिटाइजर के, और फिर धोएंगे अपने हाथ सैनिटाइजर से, वो भी पूरे 20 सेकंड तक। ओ हेलो, जिसने नहाना धोना जो भी करना है अंदर जाकर करो, मेरे को शो शुरू करना, चलो दफा जाओ। हाँ तो चलो शुरू करते हैं। हाँ? चलो आ जा, आ जा, चलो 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 चलो, चाय बना के लाओ। Yeah!
अर्चना जी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह. थैंक यू. और आपके पीछे जो बैठे इंसान हैं इतना, वो भी बहुत प्यारे लग रहे हैं. हेलो हेलो, कैसे हैं आप? अर्चना जी, आज हमारे बीच जो कलाकार आ रहे हैं, ये कलाकार तो अच्छे हैं ही, लेकिन इंसान बड़े अच्छे हैं. ये बड़ा नेक काम कर रहे हैं आजकल, और आज भी किसी का भलाई करने आ रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पे आएंगे आपकी भी दिहाड़ी बनेगी उस हिसाब से. बिल्कुल. तो इन्होंने फिल्मों में तो हीरो और विलन के बड़े कमाल के रोल किए हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो ये रोल अदा कर रहे हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है. इन्होंने सड़क पे खड़े लाखों लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया. सो इन जरूरतमंद लोगों के लिए मुसीबत की घड़ी में जो मसीहा बन के सामने आया, वही है आज के हमारे गेस्ट, हम सबके चहेते, द वन एंड ओनली. प्लीज वेलकम सोनू सूद. जितने भी लोग हैं, खुल के सोनू बाजी के लिए तालियां आ जाए. सोनू बाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. और अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग वाला चक्कर नहीं होता ना, मुझे सबसे ज्यादा खींच आ रही है, क्योंकि मेरा मेरे भाई को गले लगाने को दिल कर रहा है. और सिर्फ मेरा ही दिल नहीं कर रहा है, ये मुझे जानने वाले जितने भी लोग हैं सबका मैसेज मेरे पास आया कि सोनू बाजी आज आपके शो पे आ रहे हैं. तो हमारी तरफ से एक पाजी को जरूर जो है हक देना है. बिल्कुल. सोनू बाजी, फिल्मों में जितना भी काम कर रहे हैं या जितना भी काम आपने किया है, अलग अलग भाषाओं में किया है, लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया, लेकिन ये जो आपको प्यार मिल रहा है, मतलब ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है. खुद हम लोग सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि इनके नाम के आगे काफ़ी सारी चीज़ें जुड़ गई हैं, आगे लाइनें जुड़ गई हैं कि ज़रूरतमंदों के मसीहा सोनू सूद और ये सब. Absolutely. और इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, कैसा फील हो रहा है भाई आपको? भाई आप भी यू नो छोटे शहर से हैं, हम लोग भी आए. मैंने एक चीज़ मैम देखी इसके अंदर कि हम लोग जब छोटे शहर से आते हैं ना, उनके सपने बड़े होते हैं. और एक चीज़ देखिए कि हम बोलते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, सब कुछ आ गया, लेकिन तीन चीज़ें होती हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये कभी डिजिटल नहीं होने वाला. और इस बार पहली दफ़ा ये देखा कि जो ज़रूरत है और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसमें क्या फ़र्क होता है. मैंने हम लोग बड़ी चीज़ों की ज़रूरत करते हैं, हमें जूते चाहिए, जैकेट चाहिए, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हम लोगों उसको भूल जाते हैं. और मैंने इन 100-125 दिनों में ये रियलाइज़ किया कि सबसे बड़ी जो खुशी है वो मैंने इस ऑफिस में कर ली, उसमें नहीं है, लेकिन जो 3 महीने के अंदर जो मुझे खुशी मिली है, मुझे नहीं लगता कि जिंदगी में मैंने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस किया. तो आई थिंक दिस इज मेरी जिंदगी का बेस्ट किरदार है जो मैंने प्ले किया. सो आई थिंक आई कैन बी मोर स्पेशल देन दिस. सोनू, आई वांट टू से समथिंग कि यहाँ पर कितने सारे हमने एपिसोड्स किए हैं, कई बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया है मैंने. जब कोई बहुत बड़े कलाकार आते हैं, वो सब स्क्रीन के बड़े कलाकार होते हैं, लेकिन आज पहली बार अवसर मिला है कि एक रियल लाइफ हीरो. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू मैम. थैंक यू. यू आर अ रियल लाइफ हीरो. नो मैम. थैंक यू. थैंक यू. आज हमारे स्टूडियो में, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग बिना दर्शकों की प्रेजेंस से ये शो कर रहे हैं, तो हमारे अपने ही लोग हैं, लेकिन आप जज्बा और मोहब्बत जो सोनू बाजी के लिए है वो आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं सब खुशी से दिल से सोनू बाजी के लिए खड़े होकर ताली बजा रहे हैं. सोनू बाजी, ये जो आपने एग्जांपल दी है कि अगर कुछ आप अच्छा करना चाहते हो, आप घर से निकलो, हजारों लोग, लाखों लोग आपके साथ जुड़ते हैं, काफिला बनता जाता है जब आप एक अच्छी नीयत के साथ कोई अच्छा काम करने निकलते हैं. कोरोना का अर्चना जी ऐसा डर फैला हुआ है कि लोग अपने घरों के दरवाजे नहीं खोल रहे, और ऐसे समय में सोनू बाजी ने सिर्फ अपने घर का दरवाजा खोल के बाहर नहीं निकले, अपने दिल के दरवाजे खोले, दिलेरी के दरवाजे खोले, और जो लोग भूखे प्यासे पैदल सड़क पे चल पड़े थे उनको घर तक पहुंचाया. पर ये शुरू कहाँ से हुआ था सिलसिला? मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है, बचपन की दोस्त है, नीति गोयल, वो यहाँ पे है, हम थोड़ी देर में मिलेंगे भी उनसे. यू नो हम लोगों ने खाना बांटना शुरू किया था. मैम हमने 200-400-500 से खाना बांटना शुरू किया, और थाना में एक जगह है कालबा चौक जहाँ पर खाना बांट रहे थे, और हम लोग ऑलमोस्ट 1-1.5 ट्रक फ्रूट का रोज़ वहाँ पे खड़ा करते थे लोगों को देने के लिए. तो वहाँ पे कुछ लोग जा रहे थे और मैं और नीति खड़े थे. उन्होंने हमने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, उन्होंने बोला कि हमें 10 दिन का आप खाना पैक कर दीजिए, हम लोग पैदल कर्नाटका जा रहे हैं. तो छोटे छोटे बच्चे भाजी उनके साथ, एक महीने के, 2 महीने टाइप्स. मैंने बोला इनको कैसे लेके जाओगे आप लोग? तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, पहुँच जाएंगे 8-10 दिन में, पहुँच जाएंगे, आप हमें पैक कर दो. तो मैंने उनसे 2 दिन की मोहलत मांगी कि आप 2 दिन आप रुकिए, मैं 2 दिन में आपको कैसे भी, हम सब परमिशन ला के देते हैं, हम समझते हैं कि कैसे करते हैं. फिर यू नो उनको ठहरवाया हम लोगों ने, उनके सारे पेपर्स लिए, डॉक्यूमेंट्स, उनके मेडिकल्स बनवाए, फिर यू नो जो पुलिस की सारी परमिशंस ली, फिर जिस स्टेट में वो जाना चाहते थे वहाँ के ADMs, DMs, वो सारी परमिशंस लेके उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके, ट्रांसपोर्ट की परमिशन लेके, हमने वो पहली दफ़ा 10 बसेस जो थी, 350 लोग हम लोगों ने भेजे कर्नाटका. और मैम जब हम लोग छोड़ने गए उनको, तो आप उनकी आंखों में यू नो आंसू, चेहरे पे स्माइल, और
यू नो, मुझे लगा कि ये जो कहानी है ये सिर्फ इन 350 लोगों की नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो देश भर में पैदल चल रहे हैं. और उस दिन के बाद आज तक जब मैं शो के अंदर हूँ, आज भी हम लोगों को भेज ही रहे हैं, मंगवा ही रहे हैं, और आज भी वो सिलसिला जारी है जी. अच्छा, सोनू भाई और इनकी टीम तो घर से बाहर निकल आए, लेकिन आप अर्चना देखा है कि सड़कों पे अगर निकले थे शुरू शुरू में जब लॉकडाउन हुआ तो कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिलता था कहीं जाने के लिए, क्योंकि कोई काम ही बंद थे. तो ऐसे में आपने बसें कहाँ से अरेंज कर ली? ये अर्चना जी पूछ रही थी, पता करो हो सकता है इनका कोई ट्रैवल एजेंसी का काम हो पार्ट टाइम, ऐसे मुझे पूछ रही थी. नहीं नहीं मैम, कोई ट्रैवल एजेंसी का काम नहीं मेरा. ये लोग जो है मुंबई वाले एरियाज को जानते हैं, अगर आप नाला सुपारा की बात करें, वसई, पालघर, ये वो इतने इंटीरियर एरिया की वहाँ पे जब आपकी ट्रेन्स नहीं चलती, आपकी बसेस नहीं चलती, ऑटो रिक्शाज नहीं चलते, प्राइवेट व्हीकल्स नहीं चलते, तो उनको कैसे लेकर आएंगे आप उन बस स्टॉप्स पे जहाँ पे परमिशन है. वो एक बड़ा प्रोसेस, हमारी जो टीम थी वो इतनी कमाल की थी. वो एक पहले सबसे पहले जब नीति थी उनके बाद मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट है पंकज, मैंने उनको बोला कि पंकज ये काम कर, कुछ नहीं कर रहा, चल लिस्ट बनानी शुरू कर. पंकज की टीम के 10-11 लोग, हर्ष वगैरह सब लोग जुड़ने शुरू हुए. उसके बाद इतने लोगों का पूरे हिंदुस्तान से, कोई ढाबे पे रुका हुआ है, कोई पेट्रोल पंप पे कहीं रुका हुआ है, भैया हमें घर जाना है, भेजो, कहाँ भेजोगे, हम तो यहीं बैठे हैं. ढाबे वालों को फ़ोन करते, इसको खाना खिला, जितने दिन हम लोग नहीं भेज पाते, पेट्रोल पंप वाले को बोलते. तो हर एक छोटी छोटी पॉकेट में हमने टच करना शुरू किया. फिर हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं के, मैं उनसे भी मुलाकात कराऊंगा. देन ही केम इनटू पिक्चर की ही वाज अ टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट. फिर उसने अपनी सारी टीम है, आशमा, कार्तिक, सब लोगों को लिया, और हमने एक टोल फ्री नंबर शुरू किया. और हमें एक घंटे के अंदर, उस समय 70,000 कॉल्स आए थे, और 2-2.5 दिन के अंदर हमारे पास 6.5 से 7 लाख लोगों की आई कि इन लोगों को भेजा जाए. और हमें लगा कि जब इतने लोगों ने हमारे पे विश्वास डाला है कि इनके इनको कैसे घर भेजा जाए, तो फिर पूरी टीम जो थी, जिनसे आप अभी मिलेंगे, सब लोग मुझे नहीं लगता कि ये दिन रात सोए होंगे. इन लोगों ने कहाँ कहाँ से जाके पर्सनल, हम लोगों ने अपनी गाड़ियों में बिठा के इनको उन एरिया से निकाल के बस स्टॉप्स पे, टेम्पू ट्रेवल्स में बिठा के, प्राइवेट गाड़ियों में बिठा के, बेस्ट की बसेस लेके हम लोगों ने मतलब कैसे भेजा है हमें पता है कि हमने कभी सीखा नहीं था. आई वाज नॉट ट्रेन टू डू इट, बट बोलते हैं कि शायद भगवान ने हमें चुना करने के लिए, और रास्ता बनता गया और खुद यू नो चीजें खुलती गई. अमेजिंग बहुत छोटा वर्ड है, अमेजिंग से बियॉन्ड है जो तुमने किया. थैंक यू मैम, एब्सोल्युटली थैंक यू. सोनू भाई के साथ बातें करके बड़ा मजा आ रहा है, और इनसे और भी बहुत से मजेदार किस्से जानेंगे कल, तो देखना मत भूलिएगा. कपिल शर्मा शो, गुड नाइट, शुभ रात्रि. फॉर मोर अपडेट्स Subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.